और देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं प्रोलैक्टिन की। सेम पैटर्न में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन कितना अमीनो एसिड का बना होता है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है और बेसिकली किस रिसेप्टर से वो बाइंड करता है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात करेंगे एंड क्लिनिकल यूजेस की बात करेंगे। तो प्रोलैक्टिन के लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है दिस इज मेड अप ऑफ 199 अमीनो एसिड एंड सिंगल चेन पेप्टाइड होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अराउंड 23,000 होता है, राइट? तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न ही करने होंगे, राइट? तो ये आपका क्या था, फैक्ट था जिसमें आपने बोला 199 अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड एंड 23,000 इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बेसिकली एंड वहां की लैक्टोट्रॉफ सेल से निकलता है। किस सेल से निकलता है, लैक्टोट्रॉफ सेल से। तो इंटीरियर पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉफ सेल से आपका जो है क्या निकलता है, प्रोलैक्टिन। देखिए बच्चों, अगर प्रोलैक्टिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में देखिए एक दो वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, उनका आपको एग्जामिनेशन कॉपी में अपने हाईलाइट जरूर करना है। वर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक? तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि ये करता क्या है। देखिए ये वेल नोन है कि आपका जो दो हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड एक प्रोलैक्टिन, वो दोनों मिल्क से रिलेटेड है। फीमेल में मिल्क सिंथेसिस या रिलीज इससे रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बेसिकली मिल्क के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? जबकि आपका जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे नंबर वन पे आप इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में बेसिकली आपका ये मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आफ्टर द डिलीवरी या आप कह लो आफ्टर पार्टुरिशन। तो आपको टेक्निकल वर्ड भी यूज करने हैं, आफ्टर पार्टुरिशन। और ये मिल्क की सिंथेसिस के लिए बेसिकली मींस बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल तब अप होता है चूंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका नॉर्मली जो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि जो फीमेल हार्मोन है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अप होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर द डिलीवरी द फॉल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, फॉल। और जब उनका लेवल फॉल हो जाता है तब प्रोलैक्टिन बूस्ट अप होता है जस्ट फॉर द पर्पज कि मिल्क की सिंथेसिस हो सके। तो अभी यहां पे क्या है कि आपको ये जरूर लिखना है कि मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर द पार्टुरिशन। कब, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल, व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो चुका हो, डाउन हो चुका हो, विदड्रॉ हो गया हो, कम हो गया हो, लेस हो गया हो। एक तो ये पर्पज आपने लिख दिया। दूसरा बेसिकली जो ये आपका प्रोजेस्टेरोन है, राइट, वो प्रोलैक्टिन है, ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो एचपीए एक्सिस होती है, एचपीए एक्सिस क्या, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। देखिए दो एक्सिस यहां पे हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे एचपीए एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, लेकिन यहां पे हम किसकी बात करेंगे, गोनेडल एक्सिस की। किसकी बात करेंगे हम, गोनेडल एक्सिस की, एचपीजी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस से मतलब यह है कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या है, गोनाइड्स में। गोनाइड्स में फीमेल में हम ओवरी की बात कर रहे हैं और मेल में हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एचपीजी एक्सिस होता है इसको प्रोलैक्टिन क्या करता है, सप्रेस करता है। अब देखिए जब अगर एचपीजी एक्सिस को सप्रेस करेगा प्रोलैक्टिन तो मेल में टेस्टोस्टेरोन वगैरह की सिंथेसिस को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और फीमेल में ये पर्टिकुलर हो सकता है ओवुलेशन की प्रोसेस को भी ये क्या करे, इंपीड करे, रेस्ट्रिक्ट करे। तो आपको ये समझना होगा कि बाई सप्रेसिंग द एचपीजी एक्सेस प्रोलैक्टिन बेसिकली ओवुलेशन को क्या करता है, कम करता है और इनफर्टिलिटी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, इनफर्टिलिटी को। अब सीधी सी बात है कि अगर ओवुलेशन के चांसेस कम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम होंगे, कंसीव के चांसेस कम होंगे, ओवरऑल इनफर्टिलिटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। देखिए यही वजह होती है कि आफ्टर द डिलीवरी
जब फीमेल में बेसिकली आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बूस्टअप हो जाता है, तो उस समय वो एक काम तो अपना करता है, मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करता है ताकि जो बेबी है वो मिल्क फीड कर सके। अब उसके लिए मिल्क फीड करने के लिए प्रोलैक्टिन का लेवल अप हुआ, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सब पढ़ रहे हैं कि प्रोलैक्टिन एचपीजी एक्सिस को भी सप्रेस कर रहा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस को, तो उसकी वजह से फीमेल में ये क्या करता है कि ओवुलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। और जब ओवुलेशन की प्रोसेस इनहिबिट होगी तो ओवरऑल क्या होगा कि ओवरऑल गोनेडल एक्सिस सप्रेस होने से एक तो डायरेक्ट होगा कि ओवुलेशन की प्रोसेस इनहिबिट होगी, प्लस इनफर्टिलिटी को प्रमोट करेगा। मींस अब आफ्टर द डिलीवरी सडन मतलब तुरंत डिलीवरी के बाद फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, या आप कह लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर रन नहीं करती, क्योंकि गोनेडल जो गोनेड्स होते हैं, गोनेडल हार्मोन जो होते हैं बेसिकली वो सप्रेस हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन। और यही वजह होती है कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी चांसेस ऑफ द कंसीव होने के जो चांसेस होते हैं फीमेल के वो क्या होते हैं, बहुत लेस होते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब प्रोलैक्टिन बेसिकली सप्रेस क्या कर रही है, एचपीजी एक्सिस को, एचपीजी एक्सिस को सप्रेस कर रही है, क्या डिक्रीज करके कर रही है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जब वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है तो बेसिकली एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं, राइट। और एफएसएच और एलएच डिपेंडिंग ऑन द ओवरी और टेस्टिस डिफरेंट हार्मोन फर्दर रिलीज करवाते हैं। तो एचपीजी एक्सिस को बेसिकली प्रोलैक्टिन ने सप्रेस कर दिया बाय इनहिबिटिंग द जीएनआरएच। ओवरऑल ये जो प्रोसेस हुई जिसमें हमने अगर इसको कंक्लूडिंग रिमार्क दें तो हम बोले कि प्रोलैक्टिन ने ओवरऑल आफ्टर आफ्टर द डिलीवरी गोनेडल हार्मोन के लेवल को डाउन कर दिया। तो उसमें टू की वो फेज कैसा है, वो वाला फेज है जिसमें बेसिकली आपका बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टेशनल। उसी फेज में प्रोलैक्टिन की वजह से चांसेस ऑफ प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई, लेस, तो हम उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या बोलते हैं हम उसको, लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि आफ्टर द डिलीवरी या आप कह लो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशियली जस्ट आफ्टर विद इन 1 to 2 month मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, एब्सेंट होगी या इररेगुलर होगी, तो ओवरऑल चांसेस ऑफ कंसीवमेंट या प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, अगेन लेस हो जाएगा। तो ये इसके फंक्शन को आप लिखिए, मोटा फंक्शन ये समझ में आया, मिल्क सिंथेसिस सप्रेशन ऑफ एचपीजी एक्सिस, राइट। रिसेप्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये प्रोलैक्टिन जो है बेसिकली ये जैक स्टैट रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन देता है। देखिए अब इसका है रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में आपने देखा कि जो बेसिकली हाइपोथैलेमस है, आपको पूरा नाम लिखना है इसमें, राइट, शॉर्ट में नहीं लिखना आपको अपनी कॉपी में, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्लस साइन मींस स्टिमुलेट द इंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज प्रोलैक्टिन। ये बात क्लियर है। इन वन साइड द हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग PRIF, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर एंड विच इज नथिंग बट अ डोपामिन। प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर, दिस इज डोपामिन। जब कभी इसका लेवल ज्यादा होगा प्रिफ का या डोपामिन का, देन एंटीरियर पिट्यूटरी विल बी इनहिबिटेड, नेगेटिव साइन फॉर द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो अभी ओवरऑल इससे क्या समझ में आया कि डोपामिन प्रोलैक्टिन के फर्दर रिलीज को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। डोपामिन फर्दर रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, जबकि अगर हम डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर की बात, राइट, हम पीआरएफ की बात करें, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर की बात करें, तो
तो अगर डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें, क्योंकि डोपामिन क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, तो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट इसको प्रमोट करेंगे। यही वजह है कि यहां पे दिखा रखा है, देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि डोपामिनर्जिक क्या है, एगोनिस्ट है, तो चूंकि ये डोपामिन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है इसके रिलीज को, तो यहां पे क्या साइन दिखा रखा है, नेगेटिव। जबकि डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट, राइट, जितनी हम एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग, वो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट होती है, और बेसिकली वो क्या करेंगी, इसका एंटागोनिस्ट मतलब किसको प्रमोट करेंगी, वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को, तो ये प्लस साइन, डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट, राइट। तो ये पूरी बात आपको प्रोसेस समझ में आ गई। अच्छा, जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड में जाता है, मेमोरी ग्लैंड में जब बेसिकली बेबी की तरफ से सकलिंग रिफ्लेक्स मिलता है, तो मोर एंड मोर रिलीज ऑफ, ये प्लस का साइन आप दिखाइए, मोर एंड फर्दर रिलीज ऑफ PRF, TRF और अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन का रिलीज फर्दर बार बार बढ़ता है। तो ये इस तरीके से आपको ये इसका एक रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन की जो मुख्य बातें समझ में आई वो ये कि डोपामिन प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम करता है और डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोलैक्टिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। मेमोरी ग्लैंड में जो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है वो भी प्रोलैक्टिन के रिलीज को प्रमोट करता है। तो एक इतनी बात समझ में आ गई, यहां पे हमने एग्जाम्पल को भी कोट कर लिया। क्लिनिकल यूजेस में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल यूजेस में लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन की हम बात करते हैं जो कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। अब डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, इट मींस यहां पे क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, राइट। प्रोलैक्टिन के लेवल को माइनस साइन मींस डाउन कर रहा है, राइट। तो अब प्रोलैक्टिन के लेवल को जब डाउन कर रहा है, चूंकि प्रोलैक्टिन आपको पता होगा कि एचपीजी एक्सिस को डाउन करती थी, गोनेडल हार्मोन के रिलीज को कम करती थी, तो हम देखिए प्रोलैक्टिन का बेसिकली ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज कहां कहां कर सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, एमिनोरिया में बेसिकली, क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए। आपने ब्रोमोक्रिप्टिन लेके प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या किया, कम किया, देन इट मींस हम किस में यूज कर रहे हैं, एमिनोरिया। प्रोलैक्टिन एचपीजी एक्सिस को क्या करती है, सप्रेस करती है गोनेडल हार्मोन को, मेल में भी करेगी। तो अब अगर आप प्रोलैक्टिन का लेवल कम करेंगे तो एचपीजी एक्सिस डोमिनेट करेगी, मींस आप किसको ट्रीट कर सकते हैं, इंपोटेंस को। गैलेक्टोरिया ऐसी प्रॉब्लम है फीमेल में, बेसिकली फीमेल या मेल दोनों में हो सकती है। गैलेक्टोरिया में बेसिकली क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज, मेल या फीमेल से बेसिकली चेस्ट से, फीमेल ब्रेस्ट से या मेल चेस्ट से बेसिकली क्या होता है, फ्लूड अपीयरेंस होता है सडन, तो फ्लूड का अपीयरेंस वो होता है गैलेक्टोरिया। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज करते हैं जो कि प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या करने वाला है, कम करने वाला है। एंड नेक्स्ट हम पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, और डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं, चूंकि पार्किंसनिज्म में डोपामिन का लेवल तो कम होता है, तो बेसिकली इस तरीके से आपको प्रोलैक्टिन पॉइंट वाइज कितने अमाइनो एसिड का है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, उसका रिसेप्टर, और दो तीन जो हाईलाइट करके लैक्टेशनल एमिनोरिया, एचपीजी एक्सिस, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में मेंशन करना है। So this is all about the physiology and the function of prolactin. Thank you very much.